हाँ दोस्तों, मैं हिदर और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी 19। दोस्तों, जियोनी मई के महीने में अपने नया फोन जियोनी S10, S10B और S10C रिलीज कर चुका है। दोस्तों, S10 के बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया था और आज मैं S10B के बारे में बोलने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं जियोनी S10 में क्या क्या है, क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Subscribe and stay connected. दोस्तों, अगर बात किया जाए जियोनी की, तो जियोनी एक सेल्फी फोन के हिसाब से ही हमारे सामने अब तक उसकी इमेज बनी है। दोस्तों, जियोनी ने मई के महीने में तीन फोन मतलब अनाउंस किए थे। एक था जियोनी S10, S10B और S10C। S10 के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, तो आप लोग उसे देख सकते हो। अगर S10B के बारे में जानना हो, तो S10B में आप लोगों को 5.5 इंच का एक HD डिस्प्ले, दैट इज वन, जो आप लोगों को करीबन 1080x1920 पिक्सल की रिजोल्यूशन देंगी 401 PPI के साथ। दोस्तों, अगर इसकी प्रोसेसर की बात किया जाए, तो 1.8 GHz octa-core MediaTek MT6755 का यहाँ पे प्रोसेसर लगाया गया है, जो और यहाँ पे आप अगर गेमिंग को एक्सपीरियंस करना चाहे तो GPU Mail-T860MP2 भी लगाया गया है, तो इसमें आप अच्छी तरह से गेम्स वगैरह खेल सकेंगे। दोस्तों, अगर इसकी रैम की बात किया जाए, तो करीबन 4GB रैम रहेगा इसमें, 64GB का स्टोरेज रहेगा, और जिसको आप करीबन 256GB तक एक्सपांड कर सकते हैं बाय यूजिंग MicroSD कार्ड। दोस्तों, इसकी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए, तो ये एंड्रॉइड 7.0 को रन करेगा विद एमिगो 4.0। दोस्तों, अगर इसकी कैमरा, क्योंकि ये कैमरा के लिए जियोनी फ्रंट कैमरा के लिए और सेल्फी फोन को ही सेल्फी के इमेज को ही अपने बढ़ा रहा है, तो इसके जो रियर कैमरा है, रियर में आप लोग को डुअल कैमरा मिलेगा 13+5 MP का, और डुअल LED फ्लैश के साथ फेस डिटेक्शन जिसमें होगा, और ऑटोफोकस जिसमें आप सबको मिल जाएगा। दोस्तों, फ्रंट कैमरा की बात किया जाए, तो 16 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। S10 में आप लोग को डुअल फ्रंट कैमरा मिल रहा था, लेकिन S10B में आपको 16 MP का सिंगल कैमरा मिल जाएगा, जो दोनों ही आपका रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों ही HD रिकॉर्डिंग के लिए कैपेबल है। दोस्तों, अगर बात किया जाए इसकी कनेक्टिविटी में, तो आप यहाँ पे डुअल नैनो सिम लगा सकते हैं, जो दोनों ही 3G और 4G में 4G की कनेक्टिविटी आपको देंगी। साथ ही में अगर कनेक्टिविटी की बात किया जाए, तो वाईफाई, ब्लूटूथ 4.1, GPS और माइक्रो USB 2.0 यहाँ पे है। सेंसर की बात किया जाए, तो फिंगरप्रिंट सेंसर आगे उसके होम बटन में होगा, साथ ही में एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास वगैरह आप लोग को मिल जाएगा। बैटरी की बात किया जाए, तो करीबन 3700 mAh की बैटरी यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। कलर ऑप्शन में आप लोग जाए, तो कलर यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ब्लैक कलर में ही ये फोन अवेलेबल होगा, और ये फोन करीबन जून के मिडिल जून में इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस अभी करे हर एक ज्यादातर वेबसाइट पे 20,699 के आसपास दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, फोन इतना बुरा नहीं है, फोन अच्छा ही है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसर है ठीक ठाक है, आपका स्क्रीन भी अच्छी रिजोल्यूशन के साथ अच्छा साइज का एक स्क्रीन है, रैम 4GB का रैम और 64GB का स्टोरेज ठीक अच्छा ही है, GPU अच्छा है, यहाँ पे GPU एक लगाया गया, और कैमरा की बात अगर कहा जाए, क्योंकि ये तो कैमरा फोन के हिसाब से बिकता है, तो कैमरा तो ठीक ठाक है ही। सेंसर्स में भी जो बेसिक सेंसर्स है वो है, फिर भी अगर बात किया जाए यहाँ पे फोन की, तो 20,699 में अगर आप सिर्फ एक सेल्फी के लिए एक फोन लेना चाहते हो, या फिर और भी आप लोगों को चाहिए, अगर और भी फैसिलिटीज आप लोगों को चाहिए, तो कुछ अलग ऑप्शन भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये फोन इतना बुरा नहीं है, आप लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। जियोनी इस फोन के साथ अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पे बैटरी भी ठीक ठाक ही है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, और रैम रोम वगैरह भी ठीक ठाक ही है, तो आप इस फोन को परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको उससे भी कुछ ज्यादा इसी रेंज में आप लोग को फैसिलिटी चाहिए, तो आप लोग सामी की तरफ या फिर कुछ अलग अलग जितने भी हमारे फोन्स है उसके तरफ भी आप मूव कर सकते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल आप इसको बाय कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी नए फोन आएंगे, नए गैजेट आएंगे, उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, भारत माता की जय।